इस वीडियो अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित फ्रॉम लर्न मोर विद एमजे, जहां पे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। आज के इस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो चैप्टर 3 है रेशियो एनालिसिस, उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस अपन ने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था और सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। Using the following information, prepare the balance sheet. अपन को क्या balance sheet यहाँ पे prepare करनी है। ठीक है, क्या क्या अपन को information दे के रखी है? Long term debt to net worth ratio दे के रखा है 0.5, total asset turnover दे के रखा है, average collection period जिसको कि अपन यहाँ पे velocity ratio भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो देख रखा है, एसेट टेस्ट रेशियो, इसको भी अपन क्विक रेशियो भी यहाँ पे बोलते हैं। और एज्यूम 360 डेज ईयर एंड ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट। अपन को यहाँ पे बताया है कि 360 डेज अपन को एज्यूम करना है यहाँ पे और सेल्स मानना है कि क्रेडिट पर है सारी की सारी। तो अपन को सारी मिसिंग वगैरह बैलेंस शीट में सिर्फ अपन को नोट्स एंड पेबल दे के रखा है, अपना कॉमन स्टॉक दे के रखा है जिसको कि अपन यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग दे के रखा है, अपन को बाकी सारे यहाँ पे अमाउंट निकालने हैं। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है अपन वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो आइए बैलेंस शीट वाले पार्ट पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दे के रखा है अपन को, एक मिनट, कैश दे के रखा है, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये सब अपन को यहाँ पे दे के रखा है। कैश, अकाउंट, रिसीवेबल्स और क्या था, इन्वेंटरी था और प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। और क्या दे के रखा था, नोट्स एंड पेबल मतलब क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, कॉमन स्टॉक्स, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। नोट्स एंड पेबल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग। नोट्स एंड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, कॉमन स्टॉक्स और एक और रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो अपन को सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट दे के नहीं रखा था, बाकी सब अपन को 1 लाख रुपए यहाँ पे दे के रखा था। बाकी सब अपन को यहाँ पे करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले अगर कोई मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे करके वो अपन को लिख लेना है। ठीक है, तो अपन बाकी देखते हैं कहाँ से क्या निकल सकता है अपन। तो देखिए, इन्होंने यहाँ अपन को देखे रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डालते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। मैं बताता हूँ कैसे, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेट वर्थ, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवाइड बाय नेट वर्थ। तो सर यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में कहीं तो नेट वर्थ नहीं दे के रखा है, कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, दे के रखा है, बस अपन को नेटवर्थ का मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है नेटवर्थ का मतलब। नेटवर्थ का मतलब होता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो कि यहाँ पे अपन को दे के रखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, देखिए अपन यहाँ चलते हैं, आइए बताते हैं कहाँ पे। नेट, ये देखिए
उनको मैंने बताया था कहाँ पे बेसिक्स पढ़ाया था, तब बताया था आपको, ठीक है। तो अगर बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख के आइए, ठीक है। देखिए इसी को अपन क्या बोलते हैं, देखिए इन तीनों को अपन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको अपन शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, इसको नेटवर्थ, और इसको अपन क्या बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो देके नहीं रखा है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे देके रखा है, तो उसका ही मतलब यहाँ पे क्या हो गया नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कितनी हो गई अपनी यहाँ पे 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो ए वाला रोशो कितना देके रखा था 0.5, 0.5 यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या था अपनी रिटेन अर्निंग, ठीक है। रिटेन अर्निंग मतलब वही होता है अपना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग टर्म बोरिंग, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपना, डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिटेन अर्निंग भी अपनी कितनी है 1 लाख यहाँ पे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब वही रिटेन अर्निंग, मतलब ये एक्चुअली रिटेन अर्निंग इक्विटी शेयर कैपिटल का ही यहाँ पे पार्ट रहता है। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं मान सकते, यहाँ पे अपन एक काम करिए, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लीजिए, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग एक्चुअली क्या रहता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.5 बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवाइड बाय 2 लाख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाख का 0.5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अपनी कितनी आ गई यहाँ पे 1 लाख रुपीज, रेफर कर देना वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो अपना एक काम हो गया कि यहाँ टोटल अपनी करंट एसेट यहाँ से निकल के आ गई, टोटल करंट सॉरी करंट एसेट नहीं, टोटल एसेट, टोटल एसेट अपनी यहाँ से निकल के आ गई कितनी 4 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है अपनी यहाँ पे 4 लाख रुपए निकल के आ गई। अब आगे देखते हैं आगे अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। देखिए टोटल एसेट टर्न ओवर दे के रखा है, तो इससे का अपना टर्न ओवर, टोटल एसेट तो अपन को पता ही है, इससे अपना यहाँ पर टर्न ओवर निकल के आ जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टर्न ओवर, ठीक है। टोटल असेट टर्न ओवर देख रहे, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टर्न ओवर जाएगा ऊपर और टोटल असेट जाएगा अपना नीचे, टोटल असेट। तो कितना देके रखा था ये वाला, अपन को देके रखा था 2.5, तो 2.5 टर्न ओवर अपन को ना कैलकुलेट, टोटल असेट अपन ने निकाला था यहाँ पे 4 लाख रुपीज, ये अपन ने निकाला था ना अभी ये जोड़ के यो, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्न ओवर कितना आ जाएगा, टर्न ओवर आ जाएगा इंटू कर दीजिए 4 लाख इंटू 2.5 तो आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख रुपीज, ठीक है। टर्न ओवर कितना आ गया यहाँ पे 10 लाख रुपीज अपना यहाँ पे टर्न ओवर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है कि अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज बैलेंस रेशियो कितना 18 डेज देख रखा है, इसको अपन होल्ड करें, इसको अपन अभी दूसरा वर्किंग नोट करने की बात करेंगे, पहले अपन कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ से अपनी डायरेक्ट इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर, तो क्या फॉर्मूला रहता है टर्नओवर अपॉन, या फिर अगर वैसे इन्वेंट्री सीओजीएस पर बेस्ड रहती है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन बोले तो अपन को टर्नओवर पे या फिर सेल्स पे लेना है, तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर ओपनिंग रेशियो कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेके चलेंगे। तो कितना देके रखा था इसका रेशियो, इसका रेशियो अपन को देके रखा था यहाँ पे मतलब 9 टाइम्स अपन को दे के रखा था, ठीक है। 9 टाइम्स अपन को यहाँ पे दे के रखा था,
यहाँ पे अपन को 9 टाइम्स देख रखा था, अपन COGS देख लेंगे। देखिए अपन ने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट 10% देख रखा, तो COGS क्या क्या आ जाएगी, सेल्स अपने 10 लाख रुपीज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 10%, तो यहाँ पे अपनी COGS आ जाएगी 9 लाख रुपीज। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे डाइट कर दीजिए यहाँ पे ऐसा कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका आ जाएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ठीक है, तो 9 डिवाइड बाय 10 लैक्स माइनस 10% डिवाइड बाय इन्वेंट्री, तो 9 इज इक्वल टू 9 लैक डिवाइड बाय इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री आ जाएगा ऊपर और 9 लैक डिवाइड बाय 9, तो इन्वेंट्री आ जाएगी अपनी यहाँ पे 1 लैक रुपीज। ठीक है, सारे आंसर लैक्स में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री अपन ने यहाँ पर निकाल दिया 9 लैक, सॉरी 1 लैक, 9 लैक नहीं, अगर रेफरेंस देना तो रेफरेंस दे देना आप, कौन सा वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन को दे के रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लेते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेटर। कैलकुलेशन ऑफ डेटर ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अपन को, अपन इन्होंने बोल के रखा है कि अपन को डेज में लेके चलना है, तो कितने डेज दे के बोले इन्होंने कि अपन को 360 डेज यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोलता तो अपन 365 डेज यहाँ पे लेते डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, तो ये अपन को कितने डेज दे के रखे, 18 दे के रखे थे ना यहाँ पे, 18 डेज है ना, तो अपना हो गया यहाँ पे 18 डेज डिवाइड बाय 360 अपॉन DTR, तो डाटा टर्नओवर रेशियो 360 डिवाइड बाय 18 आ जाएगा नीचे, तो डाटा टर्नओवर रेशियो हो जाएगा अपना 20। ठीक है, 80 मतलब 360 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 18 से, हो जाएगा अपना 20, तो डाटा टर्नओवर रेशियो आ गया अपना 20। अब डाटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है कि क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटा, तो ओपनिंग डेटा की बात नहीं कर रही है, तो अपन यहाँ पे क्लोजिंग डेटा ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं और ये आ गया अपना 20, और क्रेडिट सेल्स उन्होंने बोल दिया था कि ऑल सेल्स अपनी क्रेडिट ही है यहाँ पे, क्रेडिट ऑन सेल्स मतलब ऑल सेल्स अपनी कितनी क्रेडिट है, तो अपन ने निकाल ली यहाँ पे 10 लाख रुपीज। ठीक है, अपन ने 10 लाख रुपीज निकाल ली, तो 10 लाख डिवाइड बाय डेटर, तो डेटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 20, 10 लाख डिवाइड बाय 20, तो अपना डेटा आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख डिवाइड बाय 20, तो आ जाएगा अपना 50,000। वर्किंग नोट नंबर हो गया A4 ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हो गया 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेटा एक ही बात होता है, वर्किंग नोट नंबर 4। अब अपन को निकालना है क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर कैश। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी है कि एसेट टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो रेशियो अपन को 1 यहाँ पे दे के रखा है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ऑफ यहाँ से कैश निकलेगा। ठीक है, बताते हैं कैसे, तो अपन को क्विक रेशियो दे के रखा है, या फिर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है पता है आपको, बताया था सिखाया था मैंने कि यहाँ पे क्विक एसेट, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये बंद के रखा है अपन को, तो क्विक एसेट क्या रहता है, करंट एसेट माइनस क्या माइनस कर देते हैं, स्टॉक माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का बोला नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे इसका,
और डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी के नाम पे क्या दे के रखा है सर? यहाँ पे अपन को करंट लाइबिलिटी के नाम पे एक चीज दे के रखी थी, पेबल्स, है ना, मतलब नोट्स एंड पेबल, ये वाली करंट लाइबिलिटी। बाकी सब ये अपने आ जाएंगे किसमें, कैपिटल में आ जाएंगे, अपना कॉमन स्टॉक्स और रिटेन अर्निंग, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ठीक है। तो अपने सब एक ही करंट लाइबिलिटी वो है 1 लाख रुपीज, तो वो हो जाएगी यहाँ पे 1 लाख रुपीज या फिर 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टॉक्स अपन ने देखिए ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, और ये करंट असेट अपन ने स्टॉक्स निकाला था, यहाँ पे स्टॉक्स निकाला था, इन्वेंट्री जिसको क्या यहाँ पे स्टॉक्स भी लिख दीजिए, ठीक है, इसको इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही होता है। तो ये निकाला था 1 लाख रुपीज, यहाँ पे 1 लाख। अब देखिए ये 1 लाख तो यहाँ पे पहले से ही था, और ये जंप करके साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का था, अब हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे करंट असेट, तो करंट असेट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करंट असेट अपन को मिल गया है यहाँ पे, तो करंट असेट में सिर्फ ये वाली जो ये फिक्स असेट, ये फिक्स असेट, करंट असेट तीनों होती है, कैश भी करंट असेट होती है, डेटर भी, अकाउंट डेटर मतलब अकाउंट रिसीवेबल भी, और इन्वेंट्री भी अपनी यहाँ पे क्या होती है, करंट असेट होती है। तो यहाँ पे करंट असेट, अपन 2 लाख रुपीज है, यहाँ माइनस करेंगे अपन इन्वेंट्री, और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेटर। तो इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री है 1 लाख, और डेटर है 50,000। ये अपने इन्वेंट्री है 1 लाख, और ये है 50,000, इसको माइनस कर देंगे तो अपना क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना कैश, तो ये बच जाएगा कैश भी 50,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैश रख देंगे 50,000 रुपए, तो यहाँ पे अपनी क्या करंट असेट हो गई है, बैलेंस फिगर। अब ये अपना करंट टोटल करंट असेट अपना, सॉरी यहाँ पे करंट असेट नहीं है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, लाइबिलिटी, और यहाँ पे टोटल करंट, सॉरी टोटल असेट यहाँ पे 4 लाख रुपीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे भूल दिया था, अपने टोटल करंट करंट अपने टोटल असेट निकाला था ना यहाँ पे, ये टोटल असेट, ठीक है, ये निकाला था टोटल असेट, तो मैंने बोल दिया था यहाँ पे टोटल असेट टर्नओवर का, तो मैंने बोल दिया था टोटल असेट यहाँ पे 4 लाख रुपीज, ऐसे नहीं आए थे, ठीक है, ये तो करंट लाइबिलिटी का है, यहाँ से नहीं आए थे, एक जो टोटल लाइबिलिटी अपनी 4 लाख रुपीज है, तो अपनी टोटल असेट भी यहाँ पे 4 लाख रुपीज यहाँ पे होंगे, यहाँ से आया था ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया मतलब, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हो गया, अब अपना ये हो जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 4 लाख रुपीज में से 50,000 गए, माइनस 50,000 माइनस 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख रुपीज अपना आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बैलेंस शीट भी अपन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपन ने, बैलेंस शीट मिसिंग फिगर निकालने थे वो अपन निकाल लिए, और यहाँ पे अपन ने सारे वर्किंग नोट यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, बस अब एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि टोटल असेट जब निकाला था ना, तो मैंने बोल दिया था कि टोटल इक्वल टू 4 लाख, तो पहले टोटल करंट लाइबिलिटी 4 लाख आएगा, तो करंट लाइबिलिटी सॉरी टोटल लाइबिलिटी 4 लाख आएगा, तो टोटल लाइबिलिटी 4 लाख है, तो टोटल असेट भी यहाँ पे 4 लाख ही होगा, यहाँ से आया था वो, ठीक है। तो अगर किसी को नोट करना है तो प्लीज से यहाँ से नोट कर लीजिए, और अपने ये सारे अपने क्या हो गए, वर्किंग नोट्स हो गए, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके नोट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 6 के साथ मिलते हैं, जब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।